हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड को, या इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग को, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच को, जो भी आप कहना चाहें, आगमन और निगमन विधि। इसके साथ हम बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे, जैसे कन्वर्जेंट थिंकिंग, जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जैसे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, आगमन और निगमन विधि पर क्वेश्चन ऐसा कोई टीचिंग एग्जाम नहीं है जहां पर ना पूछा जाता हो। चाहे सीटेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, डीट प्लस बी हो, कोई भी स्टेट का टेट हो, सब जगह पर इंडक्टिव डिडक्टिव पूछा जाता है। नोन टू अननोन अप्रोच, स्पेसिफिक टू जनरल अप्रोच, इन सब के बारे में बात की जाती है। और हम टीचिंग ट्रेनिंग करने के बावजूद भी कई बार कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि सिंपल बनाना हमारा काम है यहाँ लेट्स लर्न पर। चीज़ों को सिंपल तरीके से अगर हम समझ सकें और क्वेश्चन को डील कर सकें एग्जाम में, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाएं, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ये अपनी नई सीरीज रहेगी साइकोलॉजी इन शॉर्ट की, मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, उसको हम कम शब्दों में आसानी से समझ पाएं सारे टॉपिक्स को। कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लगे कि आपको नहीं समझ आता, मेड बी स्ट्यूमलेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, छोटे छोटे टॉपिक को हम इस सीरीज के अंदर डिस्कवर करने वाले हैं, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, ये मेथड को समझेंगे फटाफट से, टाइम कम लगाएंगे और बात ज़्यादा समझेंगे। इंडक्टिव मेथड की बात करूँ तो आगमन विधि हम इसको हिंदी में कहते हैं, और अगर मैं बात करूं डिडक्टिव विधि की तो निगमन विधि ये आपकी कहलाती है, ये आप सभी जानते होंगे, तो हिंदी वाले भी परेशान ना हों। तो इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। स्टार्ट करेंगे, देखेंगे इंडक्टिव मेथड। बेसिकली हम कहें नोन टू अननोन जाना, मतलब नोन टू अननोन मतलब जो आप जानते हैं उससे अनजान की तरफ जाना, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना, मतलब मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना। आराम से समझेंगे और बहुत अच्छे से समझ भी आएगा, ठीक, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना। अब मैं बात करूं बॉटम से अप जाना, सारी जितने भी आसपास की चीज़ें हो सकते हैं सबको समझेंगे, बॉटम अप अप्रोच भी इसको हम कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल टू रूल जाना, ठीक, एग्जाम्पल टू रूल जाना, और इसके बाद अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक टू जनरल जाना, ठीक, स्पेसिफिक टू जनरल जाना। इसके अलावा और अगर बात की जाए इसमें, तो यहाँ पर हो सकता है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करता है, एक्टिविटी को प्रमोट करता है, और भी दुनिया भर की चीज़ें इंक्लूड होंगी। इसी तरह से इस साइड भी लिख लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसको अच्छे से खोल के समझेंगे। स्टार्ट करेंगे, अगर यहाँ देखें हम तो इसका जस्ट उल्टा होगा, अननोन टू नोन हो जाएगा, अननोन टू नोन, ये शॉर्ट में लिख दिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट हो जाएगा यहाँ पर, अमूर्त से मूर्त जाएंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको फटाफट से। इसके बाद आपका ये टॉप डाउन अप्रोच है, इसको ध्यान में रखें, ये टॉप डाउन अप्रोच है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रूल से आपका एग्जाम्पल की तरफ जाना है, रूल टू एग्जाम्पल। इसके अलावा अगर बात करूं जनरल टू स्पेसिफिक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं, ये आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो किसी भी तरह से पूछ लेता है आजकल एग्जाम्स में। और कौन सा मेथड किस लेवल के लिए बेहतर है, अगर मैं बात करूं इंडक्टिव डिडक्टिव दिए किसने, तो दोनों अप्रोचेस जो हैं एरिस्टोटल के द्वारा दी गई, मतलब अरस्तु। हालांकि ये जो इंडक्टिव मेथड है इसको आगे, मतलब क्या कहें, रिकमेंड किया पेस्टोलॉजी ने या आपके बैकन ने, हालांकि ये क्वेश्चन आजकल नहीं पूछा जाता। अगर देखें तो क्वेश्चन ये बनता है कि अगर नोन टू अननोन है, कोई भी आपको चीज़ पकड़ा देगा और आपको कहेगा कि यहाँ पर इंडक्टिव मेथड है या डिडक्टिव मेथड है। समझते हैं एक एक करके। आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, मतलब कि नोन टू अननोन जाना, जो चीज़ आप जानते हैं, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना। मूर्त क्या है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, जो भी आपके हाथ में है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप पहचान सकते हैं, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो और एब्स्ट्रैक्ट क्या है, जिसको आप नहीं जानते, जो आइडियाज में है, जो अमूर्त है, ठीक। इसी तरह से बॉटम से आप, मतलब बिल्कुल एकदम नीचे से ऊपर की तरफ जाना, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना। अब कई लोग कहते हैं कि स्पेसिफिक से जनरल कैसे जा सकते हैं, या एग्जाम्पल स्पेसिफिक कैसे होगा। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए कि जो मेरा एक पेट है, मतलब मान लीजिए मेरा एक कुत्ता है छोटा सा, और वो बार्क करता है, ठीक, मतलब भौंकता है। अब ये क्या है, ये जो एग्जाम्पल है, ये मेरा एग्जाम्पल है, ये मेरे एक पेट का एग्जाम्पल है, एक स्पेसिफिक विशिष्ट एग्जाम्पल है, विशिष्ट उदाहरण है। अब सारे जो डॉग्स हैं वो बार्क करते हैं, भौंकते हैं, ये जनरलाइजेशन है, मतलब कि सामान्यीकरण है। तो हमेशा इंडक्टिव आगमन में क्या होता है, हम सामान्यीकरण की तरफ जाते हैं, रूल की तरफ जाते हैं, जनरल की तरफ जाते हैं, कहाँ से, स्पेसिफिक से, विशिष्ट से, नोन से अननोन जाते हैं, जो चीज़ हम जानते हैं, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है, उससे नए की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। और एक्टिविटी, मतलब लर्निंग बाय डूइंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है इंडक्टिव अप्रोच, इसको भी हम ध्यान में रख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ दूसरी तरफ निगमन की, तो इसको ग्रामर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हालांकि दोनों को हम कर सकते हैं, मैथ्स में काफ़ी यूज़ किया जाता है।
जो इंडक्टिव मेथड है एलिमेंट्री लेवल तक इसको काफी इस्तेमाल में लाया जाता है क्योंकि बच्चे छोटे हैं और नोन टू अननोन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अगर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। यहां पे कॉम्प्लेक्स टू ये आप समझ सकते हैं, यहां कॉम्प्लेक्स से शुरुआत होती है, सिंपल में बाद में जाएंगे। ठीक, तो ये एक चीज हुई। अब इसके बारे में और थोड़ा जानेंगे, समझेंगे। देखो अगर हम बात करें इंडक्टिव मेथड के एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक, अगर आपने क्लासरूम में चार बच्चे थे या जितने भी बच्चे थे उन सबको कहा कि एग्जाम्पल दो, अपने फ्रेंड का नाम बताओ, जिस जगह रहते हो वहां का नाम बताओ, जहां बैठे हो वो बताओ, पापा का नाम बताओ, इस तरह से आपने बोर्ड पर 50 चीजें लिख दी, मतलब जो भी उन्होंने बताया वो आपने लिख दिया। अब आपने क्या लिया, स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिए, फिर आपने उनको रूल बताया कि अच्छा ये ना ये सारी जितने आपने नाम बताए ये संज्ञा के अंदर आते हैं या नाउन के अंदर आते हैं। तो आपने क्या किया, एग्जाम्पल से रूल की तरफ गए। जो बच्चा जानता था अपने फ्रेंड्स के नाम, अपने आसपास की जगहों के नाम, वो क्या था, नोन था। तो नोन से अननोन गए जब आपने उसको रूल बताया, तो ये ध्यान में रख सकते हो, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ गए। लेकिन अगर यहां पर ये हो जाता कि आप डायरेक्ट यहां पर क्या लिख देते, जो संज्ञा है या नाउन है उसकी परिभाषा पहले लिख देते, उसके बाद आप बताते कि अच्छा जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप देते, तब आपका डिडक्टिव मेथड हो जाता। जैसे मैथ्स में अगर हम बात करें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, अब ये जो है यहां पर अगर आपने पहले ही इसको बता दिया क्लास में जाकर के, तो ये डिडक्टिव अप्रोच है। फिर बाद में आपने जितने भी इसके संबंधित एग्जाम्पल थे वो बच्चों से प्रैक्टिस कराए, तो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ। अभी वो इसको नहीं जानते थे, अननोन था, जब उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए तो नोन होने लगा, समझने लगे, इसको सिंपल बनने लग गया। ठीक, तो ये एक चीज है, नए ज्ञान से बेसिकली जो अभी वो उनका प्रीवियस नॉलेज था उसको आपने जोड़ दिया। अब कुछ और चीजें समझ लेते हैं, हमेशा ध्यान में रखें, अगर रूल पहले बता दिया तो डिडक्टिव, अगर आपने रूल निकाला है, खुद थोड़ा धक्के खाए हैं, खुद एक्सप्लोर किया है, डिस्कवर किया है, लर्निंग बाय डूइंग हुई है, तो इंडक्टिव मेथड। लेकिन इंडक्टिव मेथड के कुछ प्रॉब्लम्स क्या हैं, कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अब हर जगह पर आप इंडक्टिव मेथड को नहीं अप्लाई कर सकते और ना ही हर जगह आप डिडक्टिव को कर सकते हैं, दोनों को मिक्स करके बहुत बढ़िया काम होता है। हालांकि जो एलिमेंट्री लेवल तक का काम है वहां पर आप इंडक्टिव को यूज कीजिए और उसके बाद आप डिडक्टिव मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपका ग्रामर हो, कुछ भी हो, तो ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है आपकी अभिसारी चिंतन, उसको प्रमोट करता है आपका डिडक्टिव रीजनिंग, और ये करता है डाइवर्जेंट थिंकिंग को, मतलब कि आप दिशाओं में सोच सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस या ओपन एंडेड जो सोच है उसको प्रमोट करता है, और ये आपका क्लोज एंडेड चीजों को प्रमोट करेगा। ये पूरा मैस्ड अप हो चुका है, बट कोई बात नहीं, आप बातों को समझें, और आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। फिर भी किसी का कोई भी डाउट हो तो मेरे को बताना, मैं उसको पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ये बहुत छोटा सा वीडियो था जिसमें हम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते थे। अगर आपको बच्चे को एक्सप्लोरर बनाना है तो आप इंडक्टिव मेथड का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। डिडक्टिव मेथड में आपके पास रूल है, टाइम कम लगता है, मैथ्स के लिए अच्छा है, अपर लेवल के लिए अच्छा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं पहले आप बच्चे को पूरी थ्योरम प्रूव करके और तब उसको बताएंगे कि ये निकल कर क्या है, भाई ये है आपका रूल, तो इस तरह से तो वो और ज्यादा परेशान हो जाएगा। यहां पर खैर रोट लर्निंग को भी प्रमोट किया जाता है डिडक्टिव मेथड में, क्योंकि आपने पहले ही उसको ऐसे स्पून फीडिंग कर दी, लो भाई ये रूल है, ठीक, लेकिन यहां पर आप ढूंढते हैं रूल, जैसे कि मैंने वो कुत्ते वाला एग्जाम्पल लिया, या एक एग्जाम्पल बड़ा फेमस चलता है कि जो सारे मानव हैं हम सभी मॉर्टल्स हैं, सभी को मरना ही है एक ना एक दिन, तो ये एक चीज हुई। तो इसमें आपने पहले रूल बता दिया कि वी आर मॉर्टल्स, फिर उसके बाद आपने एग्जाम्पल लिए कि अच्छा तो इसलिए हिमांशी भी मरेगी, इसलिए ये भी मरेगा, इसलिए वो भी मरेगा, सब मरेंगे, ठीक। तो इसमें क्या है कि बेसिकली आपने रूल से एग्जाम्पल की तरफ गए, अननोन टू नोन गए, ठीक, जनरल टू स्पेसिफिक गए, तो ये चीजें आप प्लीज ध्यान में रखें। इससे क्या होगा, बेसिकली आप सारे क्वेश्चंस, चाहे वो लैंग्वेज के हों, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में आ जाएं, आजकल क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ रहा है कि एग्जाम्पल हो, कंक्लूजन हो, इस तरह की अप्रोच कौन सी है, तो आप क्या लगाएंगे, इंडक्टिव। तो ये सारी चीजों को बिल्कुल दिमाग में रखें और वहां पर अप्लाई करें क्वेश्चंस में। जैसे एक और मैथ्स में होता है कि भाई क्या करते हैं कि आपको ट्रायंगल दे दिए, पहले आपने बच्चों को अलग अलग शेप्स दे दी, ट्रायंगल दे दिए, फिर उनका सम निकालने को कहा और सबका जो सम है वो 180 आ रहा है, चाहे उनकी शेप डिफरेंट है। अब आपने एक रूल बता दिया, क्या बताया कि भाई ये इंडक्टिव मेथड है, और आपने रूल बताया कि 180 डिग्री ही होता है। लेकिन अगर पहले क्या होता, आप बता देते कि भाई ट्रायंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, और उसके बाद फिर आप उनको क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो इस तरह के मैंने बहुत सारे एग्जांपल ले लिए हैं, फिर भी अगर किसी को दिक्कत हुई हो, समझने में प्रॉब्लम हुई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता करके जाएं, फिर से डिस्कस करेंगे लाइव सेशन वगैरह में, और जो भी आपका टॉपिक हो, जो आपको लगे कि कोई भी टॉपिक हम डिस्कस कर सकते हैं, इसी तरह से हम आसान तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर किसी को लगे पीपीटी में ज़्यादा अच्छा समझ आ सकता है तो वो लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, पीपीटी सही रहेगा या बोर्ड।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाएं, शेयर कर दें आगे जरूर जो भी लोग प्रेपरेशन कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स की, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो. थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग. दिस वॉज इमानशी साइनिंग ऑफ.